मुंबई इंडियंस से मिली करारी हार के बाद फूटा है सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा, दिया है बड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार प्लेऑफ से बाहर होते ही महेंद्र सिंह धोनी ने क्या दिया है बड़ा बयान। तो दोस्तों बताएंगे सब कुछ, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2023 में भी महेंद्र सिंह धोनी सीएसके कप्तानी करते हुए दिखें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और चैनल पर पहली बार है तो आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी खबर पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए खबर में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 59वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग टीम को करारी शिकस्त दे दी है। वानखेड़े के स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 5 विकेट से हार के बाद सीएसके के प्लेऑफ की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। 20 सीजन में सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को फिर से सीएसके की कप्तानी सौंपी गई। रविंद्र जडेजा आईपीएल 2022 से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। इस हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा बयान दिया है। सीएसके कप्तान धोनी ने कहा है कि विकेट गिरना आज की लगातार हमारी यह बड़ी समस्या थी। धोनी क्रिकेट मैच को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विकेट कैसा भी हो 130 से नीचे के स्कोर बचाव करना मुश्किल होता है। मैंने गेंदबाजी के कैरेक्टर दिखाने के लिए कहा, मैंने उनसे कहा परिणाम के बारे में भूल जाए, बस अपना बेस्ट दे। हमारी तरफ से रणनीति को लागू करने में कमी रही। कुछ बल्लेबाज अच्छी डिलीवरी पर आउट हुए, उम्मीद है कि वे हर खेल के साथ दिखेंगे। हालांकि धोनी ने अपनी गेंदबाजी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष के दबाव में रहकर भी और परिणाम के बारे में भूल गए। मुझे लगता है कि दोनों युवा तेज गेंदबाज हैं, उन योगदान महत्वपूर्ण है। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमें उन तरह की रवैये की जरूरत होती है। धोनी ने आगे कहा कि हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां तेज गेंदबाज के साथ हमारे पास कभी भी असाधारण बेंच स्ट्रोक नहीं था। धोनी ने कहा है कि तेज गेंदबाज परिपक्व होने में समय लेते हैं। आप भाग्यशाली हैं यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो 6 महीने के समय से भी कम में अलग अलग प्रारूपों में खेल सकता है। मुझे लगता है कि आईपीएल यही कर रहा है, यह युवा खिलाड़ियों के लिए एक अवसर है। धोनी ने आगे कहा है कि यह नहीं बोलना चाहिए कि अगले सीजन में हमारे पास कुछ और तेज गेंदबाज होंगे। हम उनके आईपीएल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ सकारात्मक चीजें हैं जो हमें अगले सीजन में देखने को मिलेंगी और यह महत्वपूर्ण भी होंगी, और जो भी कमी रह गई है हम उनको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। धोनी ने सीएसके के बल्लेबाजों पर कहा है कि महत्वपूर्ण यह था कि आप उस तरह के दबाव में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो कुछ गेंदें महत्वपूर्ण होती है। मैंने बल्लेबाजों से कहा यदि वो पहले डिलीवरी हिट करना चाहते हैं तो उसके लिए जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना ही। आपको क्या लगता है आखिरकार आज के मैच में सीएसके के किन कारणों से हार हुई, आप अपने व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।